नागौर वर्त में 600-700 कनेक्शन जो है वो तो सरकार 1 लाख जो कनेक्शन दे रही है और बढ़ा देगी दिल्ली स्टेट, अब तो कोई दिक्कत नहीं पैसे की। तो अपना तो अपना मकसद ये रहना चाहिए कि प्रत्येक ढाणी पे कनेक्शन कैसे हो, प्रत्येक ढाणी के अंदर उजाला हो, क्योंकि तो देर सवेर होना ही है। जितना जल्दी अपन करें तो लोगों को परेशान नहीं होना, लाइट नहीं होती तो लोग बड़े दिक्कत में रहते हैं, कोई जनरेटर लाता है, कोई दूसरे बेचारे दूसरे तरीके से करता है, फिर सीट भरी जाती है, आप लोग जाते हो परेशान होते हो। तो प्रत्येक व्यक्ति को कनेक्शन मिले, और यही देश की और स्टेट की सोच है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में उजाला कैसे हो, सड़क पानी बिजली स्कूल बिजली और स्वास्थ्य, ये चीज़ों का मौलिक ये अधिकारी मान लो आपको। अब सरकारों के पास यही काम बचा है, तो आप इसके अंदर जितना ज़्यादा तेजी से काम कर पाओगे ना, दिक्कत बताओ क्या है, काम नहीं हो पा रहा। पहले सामान की दिक्कत थी, मैंने MD साहब को CMD साहब को पिछली बार जब मैं बैठक दिल्ली के अंदर दोनों के साथ बैठा था, सामान भी खूब सारा दे दिया। अब जब सामान दे दिया तो आप ठेकेदारों की अलग से मीटिंग लें, हर JN AN ये सोचे कि ये उनका हर व्यक्ति का काम है, खाली AC चीफ इंजीनियर MD सारे काम अकेले नहीं कर सकते, टीम वर्क के साथ काम होगा। और टीम वर्क जहाँ होगा, जहाँ आपको मुझे पता कई तरह के पॉलिटिकल बातें भी आती है, दबाव भी आते हैं, तो उनको भी आप लोगों को फेस करना पड़ता है, तो उन सबको फेस करते हुए कोशिश अपने को यही करनी है कि पॉलिटिकल कारण से कोई व्यक्ति पीछे नहीं रह जाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। और जो जिसको ज़्यादा आवश्यकता है, वो जो ज़्यादा लंबे समय से पेंडेंस है, उनको पहले अपने को करना है। कुछ आप लोगों को सुधार भी हुआ, मुझे पता पहले 10-10 दिन 15 बंदे ट्रांसफार्मर आते ही नहीं थे, इमीडिएट 72 घंटे के अंदर प्रयास कर रहे हो, बड़े भी हैं सारे मामले। तो अपने मोटा मोटा यही है कि अपने ज़िले के अंदर जो भी अपन ज़िले की बात करेंगे, 5ों विधानसभा क्षेत्र नागौर खींवसर मेड़ता डेगाना जाइल, 5ों विधानसभा क्षेत्र के जितने आपके एक्शन यहाँ मौजूद है सारे, और ये जितने भी बाकी हैं, हाँ एन भी आगे, तो अपने आज से ये तय कर लें कि हमें गति देनी है। और ये DEC जो है, ये आप लोगों का ध्यान रखने के लिए, आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि सौभाग्य योजना का जब पैसा जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम ने खर्च नहीं किया, आपके एक अधिकारी थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका मीटिंग के अंदर, उन्होंने कहा पड़ा रहना दो, वो पैसा दिल्ली चला गया वापस। तब स्टेट के जो पहले वाले मंत्री थे आपके, उनको लेके मैं मंत्री के पास गया आर के सिंह जी के पास, और मैंने कहा साहब हमारा तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगा अगर पैसा नहीं है। जोधपुर अजमेर डिस्कॉम के अंदर सबसे ज़्यादा ढाणियाँ आती है, तो इसका लंबा प्रयास चला। उसके बाद सौभाग्य का नाम बदल के दिल्ली ने वापस पैसा दिया, फिर ये झगड़ा चला कि आधा पैसा ये देंगे आधा कौन देगा, ये चलते 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 ये तय हुआ, और उसके बाद ये पैसा आया। तो ये केंद्र का तमाम पैसा केंद्र सरकार का है, केंद्र की योजना है, और इस पर समय समय पर DEC का जो गठन किया, क्लर्क साहब इसके DEC के सेक्रेटरी है, और आज चूंकि उनकी तबीयत खराब है, ADM साहब आए नहीं, तो क्लर्क साहब आते हैं, अगली बार जब बैठक होगी उसमें क्लर्क साहब भी रहेंगे, CEO साहब भी आए यहाँ पर। आप सब का एक ही मकसद होना चाहिए कि हमें अगले 1 महीने के अंदर रिजल्ट देना है। अभी 1 महीने का टास्क आपको दे रहे हैं हम, 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट देना है। काम की कोई सामान के हिसाब से बात करेंगे अपन, सरकार में करेंगे सर, अपने यहाँ से प्रस्ताव लेके भी अपन भेजेंगे, हमें इतने सामान की आवश्यकता, वो सामान जल्दी से जल्दी आए, और प्रत्येक ढाणी अपने नागौर जिले की प्रत्येक ढाणी के अंदर उजाला हो, गरीब की ढाणी में उजाला हो, जिसने आज़ादी के बाद कभी सोचा नहीं होगा कि मेरे घर पे बिजली आएगी। और अपन ये सारी जो दे रहे हैं, मेरे हिसाब से 500 रुपये ले रहे हो आप, किसमें सर सौभाग्य इस लिस्ट में जाए, लिस्ट वालों को फ्री 500 लिस्ट वालों को 500 है, और लिस्ट के अलावा भी है तो 2500-3000 लेके कर दो, कनेक्शन सारा करना हो जाएगा उनके, मेरे हिसाब से तो कोई ज़्यादा, और उसमें हम भी सहयोग करेंगे आपका, MP भी सहयोग करेगा, MLH भी सहयोग करेंगे, कुछ पैसा अगर हमारे MP लेड MLA लेड साहब लेना चाहोगे तो हम देने को तैयार, वो पैसा सरकार का ही तो काम आ जाएगा सारा। अपना मेन मूल उद्देश्य यही है इस मीटिंग रखने का भी, लंबे समय से सौभाग्य योजना के जाने के बाद काम ठप हो गया था, और हमें काम को गति देनी थी। और ये आपकी जो DEC नागौर की हुई थी ये एक साल पहले, और उससे पहले भी लगातार मैं प्रयास कर रहा था, ये नागौर के प्रयास के कारण ही राजस्थान को पैसा मिला है। आप सोच लो अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम के अंदर जितने भी जिले आते हैं, उन सब का मिलके प्रयास एक व्यक्ति ने किया, यहाँ के मंत्री के साथ जाके 4 चक्कर काटे और पैसा मिल गया। तो पैसा मिल गया तब इसको गति देनी है अपना, ये सब लोगों को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। सर इसमें पिछले 10 दिन में हम जो सामान मांग रहे हैं MD साहब दे रहे हैं, मेरे पास कोई सामान कमी है नहीं है, हर ठेकेदार की हमने सब डिवीजन की मीटिंग ली है, उनको समझाया भी है कि भाई ये कनेक्शन आपको करने,
फिर भी उनको उनमें कोई और भी कोई समस्या हो तो एम्स को ही मैंने डायरेक्शन दिया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन कराएं और उनकी फाइलें मिले हुए भाई 500 रुपये ले जमा करा ठीक है नहीं 2500 डिमांड उनका कनेक्शन करो तो उसमें काफ़ी कवर हो जाएगा 90% कवर हो जाएगा 10% बचेंगी फिर अपन उसको एक बार कनेक्शन हो जाए फिर अपन समीक्षा करेंगे भाई कितने और रह गए उनको कोई दूसरी स्कीम में वो देखेंगे कोई भाई सरकार की नीति है कनेक्शन देना हर आदमी को कनेक्शन देना है तो कोई रह जाएगा तो उसको और कोई रास्ता निकालेंगे एक बार जो जिसमें कवर्ड है उनको हम मने भर में ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन करने की इच्छा रखते हैं सर ये